माशाल्लाह अम्मीजान, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आप तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कि हमारी ताजपोशी हो रही है। अरे यादव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी ताजपोशी होगी तो हम अकेले यहाँ अपने होचरे में नाचेंगे? नहीं, हम सारे आगरा को नचवाएंगे। खैर, आपने हमसे हमारी खुशी का राज पूछा है तो हम आपके सामने वो राज पेश कर रहे हैं। पेश है आदम खान आपके सामने हमारे खुशी का राज, पढ़िए। लाकवत शिवानी की मोहब्बत के पैगाम है, उसका निकाह मिर्जा हाकिम से होने जा रहा है और ये लड़की ये गुल खिला रही है। हमारे मुगल सल्तनत की तौहीन है अम्मीजान, ये सब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना होगा। करेंगे आदम, बहुत कुछ करेंगे। हम जलाल के सामने जाएंगे और ये मोहब्बत से भरे पैगाम बड़े प्यार से उनके सामने पेश करेंगे। कुछ ही देर बाद जलाल राजा भारमल से मसलत करने वाले शिवानी और मिर्जा के निकाह के बारे में। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। व्यस्त होंगे कहीं, वैसे महामंगा जी भी दिखाई नहीं दे रही, सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं उनका। होशियार शहंशाह हिंद, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। लगता है कि अम्मी जान ने चिंगारी लगा दी है। राजा भारमल जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे खानदान में क्यों करना चाहा? बताइए राजा साहब। क्योंकि यह प्रस्ताव हमारी बेटी जोधा ने भिजवाया है और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो समझकर ही किया होगा। शहंशाह, जोधा ने हमें बताया कि मिर्जा हाकिम शिवानी के लिए योग्य वर है और विवाह के पश्चात वो दोनों प्रसन्न रहेंगे। हमारे वंश से आपके वंश में एक विवाह हुआ है जिससे दो कुल, दो संबंध और संस्कृतियां पास पास आई हैं। हमें विश्वास है कि शिवानी के विवाह के पश्चात ये संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। कोई और वजह है राजा साहब? खैर, हम बस आपकी राय जानना चाहते थे, जान ली। अब हम राजकुमारी शिवानी से जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिवानी, बाहर आइए और सबके सामने हमारे सवाल का जवाब दीजिए। प्रणाम शहंशाह। तो बताइए, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी। और इसकी वजह क्या है? यही कि मिर्जा हकीम बहुत ही सज्जन, गुणी और Thank you.
हमें तो लगा कि आप कहेंगे कि आपको हमारे भाई में हमारी ही झलक दिखाई देती है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं शिवानी? ये सारे मोहब्बत भरे पैगाम आपकी अमानत है शिवानी, और ये सारे हमारे पास महफूज रहेंगे। हम किसी से नहीं कहेंगे कुछ भी। आज जो कुछ भी हुआ वो बस हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी और को पता नहीं चलेगा। ताउम्र हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। और जाहिर सी बात है, आप अपने आशिकी के बारे में किसी को क्यों बताएंगे? आप हमसे क्या चाहती है? अरे वाह, वीर कहें कि मोहब्बत हो गई है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी शिवानी, अपनी बड़ी बहन बेगम जोधा की खूबी तो आप में भी है। तुरंत हमारा इशारा समझ जाती हैं आप। जब आपने पूछा ही है कि हम क्या चाहते हैं, तो बता दें हम आपको, हम चाहते हैं कि आप मिर्जा हकीम के साथ निकाह के लिए रजामंद हो जाओ। जानकर भी कि हम किसी और से, सबको जान के पूछ के समझ के आपसे कह रहे हैं शिवानी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो ना सिर्फ आपका आशिक अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, बल्कि आपकी बड़ी बहन बेगम जोधा का शहंशाह के साथ रिश्ता टूट जाएगा। और हमें यकीन है आप ऐसा नहीं चाहेंगी, है ना? तो फैसला आपके इन नाजुक हाथों में है, जिनसे आप मोहब्बत भरे पैगाम लिखती हैं। मम्मी जान, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत अच्छा मौका खो दिया है जोधा बेगम को नीचा दिखाने का? आदम, हमें बेगम जोधा को जलील करवाने के एक नहीं कई मौके मिलने वाले हैं बहुत जल्द, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी प्रणाम। और कहिए देवर जी, प्रसन्न तो हैं आप? अपनी मनचाही पत्नी जो मिल रही है आपको? खुश तो उन्हें भी होना चाहिए, आखिर उन्हें भी अपनी पसंद का लड़का जो मिल रहा है। अच्छा, ये आपसे किसने कहा कि शिवानी भी आपको पसंद करती है? इसमें कहने वाली क्या बात है, हमें कौन नापसंद कर सकता है भाभी जान। और इस विश्वास का कारण? इसके कई कारण है भाभी जान। एक तो हम बहुत ही अच्छे दिखते हैं, बिल्कुल हमारे भाई जान शहंशाह जलालुद्दीन की तरह। दूसरा, हम मुगल सल्तनत के साथ जुड़े हुए हैं, हम जंग में भी माहिर हैं बिल्कुल भाई जान की तरह। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारी भाभी जान भी हमें पसंद करती हैं। और बातें करने का कौशल भी आपका बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाभी जान। खैर, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी बहन को क्या क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, किस चीज में दिलचस्पी है उन्हें? शिवानी को विशेष तौर पर रुझान कला में है, कारीगरी, खास तौर पर दीवारों पर होने वाली नक्काशी में, और उसकी रुचि संगीत में है। और बाकी की खूबियां हम तुम्हें बताते हैं। भाईजान आप सलाम। प्रणाम शहंशाह। यकीनन शिवानी में बहुत सारी खूबियां होंगी, बहुत हुनर होंगे, लेकिन शायद जोधा बेगम से हम आपको बेहतर समझा पाएंगे, इसलिए गौर से सुनिएगा। वक्त वक्त पर आपको ताना मारेंगी, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। जिद्दी बहुत होंगी, इसलिए मजबूरन आपको उनकी जिद को पूरा करना होगा। गुस्सा और अकड़ तो कूट कूट के भरा होगा उसमें, इसलिए इसको उनके गुस्से से होशियार रहना। ये राजवंशी शहजादी अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखने में माहिर होते हैं, इसलिए ये गुस्सा किसी भी वक्त गहर बनकर तुम पर टूट सकता है। अच्छा, और क्या क्या जानते हैं आप शिवानी के विषय में शहंशाह? यही कि उन्हें हिरन, खरगोश, मोर बहुत ज्यादा पसंद होंगे। शिकार से तो बिल्कुल नफरत होगी, इसलिए कभी भी उनके साथ शिकार पर मत जाना। क्या पता कब तुम्हें नलार से बारूद निकालें और कब कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर दे। और एक बात पर खास तौर पर ध्यान देना, कभी भी उनके सामने किसी कनी से हंस कर बात मत कर लेना, क्योंकि ये जलने का हुनर भी रखती है। हम समझ गए भाई जान कि आप शिवानी का नाम लेकर भाभी जान की बात कर रहे हैं। बड़ी ही दिलचस्प जोड़ी है आप दोनों की। एक बात कहें भाई जान, आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपको भाभी जान जैसी साफ दिल की शरीके हयात मिली है। समझ में नहीं आ रहा है अम्मी जान, आप किस पल का इंतजार कर रही हैं? अगर शिवानी की शादी मिर्जा हाकिम के साथ हो गई, आप जानती हैं
जोधा बेगम की ताकत दुगनी हो जाएगी। अम्मी जान आप क्यों इंतजार कर रही हैं? आदम खान, हमें आप बार बार यकीन क्यों दिलाते हैं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं? आदम, खेल अभी शुरू हुआ है। अल्लाह, कौन सा खेल अम्मी जान, कौन सा खेल? हमने बेगम जोधा की बहन शिवानी को उनके आशिक तेजवंत की मौत का खौफ देकर मिर्जा हकीम के साथ निकाह करने के लिए रजामंद कर लिया है। आदम, तो कुछ ही दिनों के बाद खौफ डर सब कुछ खत्म हो जाएगा और मोहब्बत हावी हो जाएगी। और तब क्या होगा अम्मी जान? आदम खान, दुश्मन को तमाचा मारना बहुत अच्छी बात होती है आदम, लेकिन दुश्मन को तमाचा मारने का मजा तब आता है जब दुश्मन का कोई अजीज उसे तमाचा मारे। आपने शिवानी के खतों में तो पढ़ा ही होगा कि शिवानी अपने आशिक के साथ बहुत जल्द आगरा से भागने वाली है, और आदम, हम शिवानी को भागने देंगे। और शिवानी के मोहब्बत भरे खत बेगम जोधा के होजरे से बरामद किए जाएंगे। चारों ओर ये बात फैला दी जाएगी कि बेगम जोधा जानती थी कि उनकी बहन शिवानी है और उस कारीगर का आपस में रिश्ता था। शिवानी उस कारीगर तेजवंत से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी और ये बात वो जानती थी, इसीलिए उन्होंने मिर्जा हाकिम और शिवानी के रिश्ता करने का फैसला कर लिया और ये बात जलाल के सामने उन्होंने पेश की। लोग इस बात का यकीन करेंगे आदम, जरूर यकीन करेंगे, और बेगम जोधा पर यह सवाल भी उठाएंगे कि अगर वो मुगल खानदान से इतनी नफरत करती है तो फिर अपनी छोटी सगी बहन का रिश्ता मुगल खानदान में क्यों कर रही है। जलाल को जब ये बात पता चलेगी कि बेगम जोधा ने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुगल खानदान से खिलवाड़ किया है, तो आप अपने दूध भाई को तो जानते हैं। इसे कहते हैं आदम खान, एक तीर से दो निशान। यहां बेगम जोधा की बहन शिवानी आगरा से अपने आशिक के साथ भाग जाएगी और वहीं दूसरी ओर बेगम जोधा को आगरा से भगा दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी मुगल खानदान की इज्जत के साथ खेलने का इल्जाम अपने सर पे लेकर। आप पानी पीजिए आदम, ये सारी बातें आपके लिए थोड़ी भारी हो जाएगी। अम्मी जान। हुजूर, आज नजमा और रुखसार बेगम में फिर से झगड़ा बढ़ गया, नौबत हाथापाई तक की आ गई। या खुदा, अब किस बात पर झगड़ा हो गया उन दोनों का? कुछ खास नहीं हुजूर, मुल्तानी कारीगरी के तोड़े नथ और जूतियां आई थी नजमा के लिए, रुखसार बेगम के लिए सामान नहीं आया और इसी बात को लेकर नजमा उसे ताने मारने लगी और झगड़ा बढ़ गया हुजूर। अब ऐसा क्या ताना मारा नजीमा ने? यही की जश्न में उसे पुराने कपड़े पहन के जाना होगा। जश्न? कैसा जश्न? हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमें लगा आपको खबर मिल गई होगी। हमें माफ बताओ, हमें कैसा जश्न? शहंशाह ने ऐलान किया है कि क्या ऐलान किया है शहंशाह ने? हम बताते हैं बेगम रुकैया। शहंशाह के चहीते छोटे भाई मिर्जा हकीम का निकाह तय हुआ है, उसी का जश्न है ये। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मिर्जा हकीम का निकाह किसके साथ तय हुआ है? बेगम जोधा की छोटी बहन शिवानी के साथ। क्या? क्या हुआ बेगम रुकैया? आप अपने दिल को क्यों जला रही? जिससे जलकर राख होना चाहिए था वो तो दिन ब दिन खास बनती जा रही है। शिवानी का रिश्ता मिर्जा हकीम के लिए बेगम जोधा ने पेश किया था जलाल के सामने, जलाल ने उस रिश्ते को तुरंत कबूल भी कर लिया, जश्न का ऐलान कर लिया, और आज पहली बार ऐसा हुआ जो आज तक इस महल में कभी नहीं हुआ था। जलाल ने इतने अहम मसले पर आपसे मसलत भी नहीं। लेकिन एक बात बताए बेगम रुकैया, इसमें गलती जलाल की नहीं। जो इंसान अपने घर की देखभाल नहीं कर पाता अक्सर उसके घर पर पड़ोसी कब्जा कर लेते। आपके साथ बिल्कुल वही हुआ है, बार बार हमने आपको आगाह किया था बेगम जोधा के खिलाफ, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी, और अब देखिए बेगम जोधा
दिन दिन कितनी बढ़ती जा रही है, बड़ी बन गई है, खास बन गई है। आदाब जाविदा बेगम, आपने हमें याद फरमाया। हाँ, हमें ना तुमसे कुछ पूछना था। आज के जश्न में ना हम ये वाला लिबास पहनेंगे, तुम्हें क्या लगता है इसका रंग हमारे चेहरे के रंग से मेल खाता है? बेशक। देखो जकीरा, हमारे साथ ना होशियारी मत करना। तुम अच्छे से जानते हो हम किसकी बेगम और किसकी बहू है। जरा सच सच बताओ, क्या ये रंग हम पे जचेगा? लिबास अच्छा है, बस इस लिबास के साथ साथ अगर आपके गाल पर लाल रंगत आ जाए तो आप परी हुस्न लगेंगी। लाल रंग? हाँ, लेकिन कैसे? वो हमने सुना है कि अरब मुल्क में औरतें अपने चेहरे को लाल करने के लिए हाथ से अपने आप को तमाचा मारती हैं, अब ताकि चेहरे पर कुदरती लाल रंग आ सके। बेशक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। देखो देखो कैसे हमारा चेहरा लाल होता जा रहा है। हमारा इल्म आपके काम आया, देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है, मगर आपको ना ऐसा बार बार करना होगा ताकि। बस बस, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। तुम ना अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया। आज के जश्न में सब हमारा परी हुस्न देखेंगे। जाविदा, क्या हुआ जाविदा? आप अपने आप को तमाचे क्यों मार के ले रही हैं? अम्मी जान, हमने ना खूबसूरती का एक नया नुस्खा आजमाया है। देखिए, इससे ना चेहरे की रंगत बढ़ती है, वैसे ही जैसे पहली बार मोहब्बत ने छुआ हो। आपको भी ये नुस्खा आजमाना चाहिए, आपकी भी खूबसूरती बढ़ेगी। नहीं, हमें नहीं चाहिए। राजा भारमल साहब के यहाँ जश्न में जाने की सब तैयारियाँ हो गई है ना सलीमा? जी अम्मी जान। हमें खुशी है कि महज अब 14 दिन में सब लोग शादी के लिए आ गए हैं और शादी की सारी तैयारियां हो गई। रुके बेगम, आइए, नौश फरमाइए। मुआफ कीजिएगा, मगर हम जलाल से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, अकेले में। अम्मी जान, अब आपको कुछ कहने सुनने के लिए किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो कहना है कह दीजिए। तो बताइए जलाल, कौन है आपकी मलिकाया बेगम, कौन है आपकी मलिकाया खास? बेशक आप हैं। कौन है आपकी पहली बेगम? आप हैं रुकैया। अगर ऐसा ही है तो हमें इस निकाह के बारे में सबसे पहले खबर क्यों नहीं मिली? सबसे पहले तो दूर, आपने हमें सबसे बाद में भी बताना जरूरी नहीं समझा? रुकैया, इतना गुस्सा क्यों? ये सब क्या है? यही तो हम जानना चाहते हैं जलाल, कि ये सब क्या है? जोधा बेगम में ऐसा क्या है जो आप ये सब सहते जा रहे हैं? हम समझे नहीं। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? एक बेगम जिसने आपका मजहब, आपकी तहजीब अपनाने से इनकार कर दिया, एक बेगम वक्त बेवक्त आपकी गुस्ताखी करती रही, आपकी बेइज्जती करती रही, एक बेगम जिसने आपको शौहर होने का हक नहीं दिया, दिया तो सिर्फ धक्का, दी तो सिर्फ रसवाई, उसी बेगम का लाया हुआ रिश्ता आपने अपने भाई के लिए कबूल कर लिया, उसी की बहन के साथ मिर्जा हाकिम का रिश्ता कराने के लिए आप तैयार हो गए, और हमसे मसलत करना आपने जरूरी भी नहीं समझा। क्या हो गया है आपको जलाल? कहाँ गए वो जलाल जिसे हम जानते थे? कहाँ गए वो जलाल जिसके सामने जुबान खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी? कहाँ गए वो जलाल जो अपने सामने गुस्ताखी करने वाले का सर कलम करवा दिया करते थे? बताइए जलाल, क्या हो गया है आपको? आज ये सवाल आपकी बेगम नहीं, आपकी बचपन की दोस्त पूछ रही है आपसे। क्यों आपने जोधा बेगम की बहन का रिश्ता कबूल किया? आ गई तुम? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, पता है हम काना से भी झगड़ा करने वाले थे, तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता ना अपनी जीजी का। बस बस जीजी, अब डांटती रहोगी या गले भी मिलोगी? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ जीजी। पता है प्रतिदिन हमें हर बात स्मरण होती है, तुम्हारा हमसे वो छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना
और फिर मोटे मोटे आंसू बहाना, और फिर हमें तुम्हें मनाते थे तो तुम्हारे चेहरे पे एक भोली सी मुस्कान आ जाती थी। हर बात स्मरण होती है हमें। यहाँ आगरा में तो हमारा मन ही नहीं लगता, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़े हो रहे हैं, जीवन में कोई उत्साह ही नहीं रह गया। चिंता मत करो चीची, अब मैं आ गई हूँ ना, हम इतनी सारी बातें करेंगे कि हमारा बचपन फिर से लौट आएगा। बहुत आनंद आएगा चीची। पता है चीची, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, कल तक जो अपनी गुड़िया के विवाह के लिए हमारे पीछे पड़ा करती थी, उस शिवानी का विवाह होने जा रहा है। हाँ, सो तो है सुकन्या। कितनी सफाई से इन पत्थरों में जान डाली जा रही है। बहुत खूबसूरत नक्काशी कर रहे हो कारीगर। नाम क्या है तुम्हारा? तेजवंत हुजूर। बहुत खूब तेजवंत, तुम जिस तरह दिल लगाकर काम कर रहे हो, हम तुम्हारे मुरीद हुए। जानते हो अभी हमारी मंगेतर हमसे यहां मिलने आने वाली है, जोधा भाभी जान की छोटी बहन। और खास बात तो यह है, ये पत्थरों पे की जाने वाली नक्काशी उन्हें बेहद पसंद है। मालूम तो चले मिर्जा ने यहाँ क्यों बुलाया है शिवानी को। आदाब। प्रणाम। आपने हमारी दरखास्त कबूल की, हम आपके एहसान मंद हैं। आप दोनों यहीं रुकिए, आइए शहजादी। देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी हो रही है यहाँ। आज रात हमारा रिश्ता पक्का किया जाना है, इसीलिए हमने सोचा कि आपसे मिल लें। यहां बहुत शोर है, आइए वहां चलते हैं। कुछ खास बात करने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है। वो क्या? हम जानते हैं कि आप खुद यहां आना चाहती थी। वहां देखिए, हमें ये मालूम चल गया है कि आप उसे बेहद पसंद करती हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत मोहब्बत करती हैं इससे। और इसीलिए हमने आपको यहां बुलाया है। अगर ऐसा है तो ये नक्काशी हम दोनों के महल में भी करवा लेते हैं। भाभी जान ने हमें बताया था कि ऐसी नक्काशी बहुत पसंद है आपको। इसे देखिए, तेजवंत नाम है इसका। जोधा, ये थारे लिए। हमारे लिए क्यों दादी साहब? क्योंकि तुम मुगल सल्तनत की बहू हो, शहंशाह की बेगम हो, शिवानी की बहन तो तुम हो, लेकिन अब तुम उसकी जेठानी बनने जा रही हो। सारी मुगल बेगमों को भेंट दी जाएगी, तो तुम्हारा तो हक बनता है। आदाब। प्रणाम। ये हमारी ओर से स्वीकार कीजिए। हमारी ओर से भी शगुन के कुछ तोहफे पेश हैं। और जोधा बेगम, आप हमारी बहू हैं, पर शिवानी की बड़ी बहन भी हैं। इसी नाते आपके लिए भी जोड़ा लाए हैं, आपको यही पहनना है।
जोधा बेगम के लिए मुगल जोड़ा, जिसने हमारी तहजीब नहीं कबूल की, हमारा मजहब नहीं कबूल किया, वो ये जोड़ा पहनेगी। जोधा बेगम से ऐसी झूठी उम्मीद करके मलिका आजम क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही है? ये अम्मी जान ने हमें किस परेशानी में डाल दिया है? अब जश्न में हम दादी सा का दिया हुआ वस्त्र पहने या अम्मी जान का दिया हुआ मुगल जोड़ा? ये क्या, बेगम जोधा ने मुगलाई लिबास पहना है? ये तो अजूबा हो गया। देखो बेगम साहब, आज मुगलई कपड़े पहने, कल मजहब भी बदल लेंगे। आप माने या ना माने, लेकिन ये सब शहंशाह की खास बनने के लिए किया जा रहा है। बेटा बेगम रुकैया, चौथा कैसे कैसे खेल खेलती है शहनशाह के लिए। शहनशाह शिवानी के मायके की ओर से उसके भाई कुछ रस्में करेंगे। शिवानी के जीजाजी होने के नाते आप भी उसमें सम्मिलित होइए। जरूर राजा साहब, जब आपकी बेटी मुगल सल्तनत की भौ होने का फर्ज निभा सकती हैं, तो हम भी राजवंशों के दामाद होने का फर्ज बखूबी निभाएंगे। एपिसोड देखिए Zee5 पर।